अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब मुरीदैन खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा अमल है बहुत ही आसान सा अमल है, बहुत ही आजमूदा अमल है, आला तरीन अमल है, नहायत आसान सा अमल है। जो भी लोग करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं उनके लिए ये ऐसा समझे ये गिफ्ट है। जो लोग परियों के शौकीन हैं उनको आज मैं ऐसी परी देने वाला हूँ, उनकी होश हवास भी उड़ जाएंगे। आज मैं ये गिफ्ट आपको दे रहा हूँ जिसको आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत सा आसान सा अमल है। जो लोग झूठे अमलों से तंग आ चुके हैं और उनको हाजिरा नहीं हुई, उनके लिए ये अमल लाया हूँ। बहुत ही आसान सा अमल है, बहुत ही आला तरीन अमल है, बहुत ही आसान सा अमल है। जो लोग चाहते हैं कि हमें हाजिरा हों और हमें परी की ट्रांसफ़र मिले और हम परी के साथ हर किस्म का जायज़ नाजायज़ काम कर सकें, ये उनके लिए अमल है। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ सैयद अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हर अमल, वो अमल जो आप करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं या जो भी आप पर कोई मुसीबत या आफत आई है और उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए हर किस्म का अमल दिया गया है। हर किस्म का अमल, दुनिया का जो भी आप पर कोई अमल हुआ पड़ा है, सब हर किस्म का अमल दिया गया है। और वीडियो को आप लाजमी पूरा देखा करें, क्यों, आपको इस अमल करने के आदी हो जाएंगे और आपको अमल भी आएंगे। ऐसे ही बहुत सारे शिगिर्द मैंने बनाए हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है और चैनल को सब्सक्राइब किया है। जैसे ही अमल उनके पास जाता है वो फौरन ही ये अमल करते हैं या रब्ता करते हैं, तो उनको इस अमल के बारे में बताता हूँ। तो चलते हैं अपने इस अमल की तरफ। बहुत ही आसान सा अमल है। आपने करना क्या है, आपके पास हिरन की चर्बी हो 2 किलो, 2 किलो हिरन की चर्बी हो या 1.5 किलो हो, इससे कम या ज़्यादा ना हो, जितना रखें एक मियार रखें, यानी कि उतना रखें या 1.5 किलो करें या 2 किलो करें, जितना आपसे हो सके 2 किलो करें, इससे कम ना हो। अगर 1.5 किलो करें उससे ज़्यादा ना हो ना कम हो, ये 2 चीज़ें करनी है। आपने इत्र कस्तूरी जितनी भी आए इस पूरी चर्बी को लगा देनी है। पूरी चर्बी को लगाने के बाद आपने मिट्टी का एक बर्तन लेना है, उसमें आपने इस चर्बी को डालना है और नीचे से कोयले के जो कांटे होते हैं उनको रखना है और उनसे ही आग नहीं जलानी, उनकी हीट से ही आपने उस तेल को निकालना है। तेल को निकालने के बाद आप पूरे जिस्म पर लगा लें। पूरे जिस्म पर लगाने के बाद आपने एक ऐसे कमरे में बैठना है जहां पर कोई भी इंसान ना आता हो सिर्फ आपके अलावा, और आपने एक जिस जगह पर आपने बैठना है अपने चारों तरफ गोल दायरा लगा देना है। जैसे ही आपका यह अमल 3 दिन में मुकम्मल होगा, और आपने खुशबू भी लगानी है, यानी कि अगरबत्ती भी लगानी है, आपने 3 दिन बैठना है वहाँ पे। जैसे ही आपका अमल मुकम्मल होगा आपको गुलशन परी की हाजिरी होगी। बहुत ही आसान सा अमल है गुलशन परी का, और आप इससे हर जायज़ नाजायज़ काम करवा सकते हैं और इसके साथ सेक्स भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा अमल है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले अमल में। खुदा हाफिज़।